का तीसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल राजस्थान सम्मानित अतिथि के रूप में कलराज मिश्र जी शामिल हुए, और उनके शामिल होने से इस अवसर की शोभा बढ़ गई। और इस तीसरे दीक्षांत समारोह में जो है टोटल 153 विद्यार्थियों को स्नातक की डिग्री दी गई, जिसमें कि 2018-22 बैच के हमारे बैच जो बैचलर डिजाइनिंग FDP के बच्चे हैं और बैचलर डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग के बच्चे हैं, उनको डिग्रियां दी गई, और 16 बच्चों का डिग्रियां जो है वो गुना कैंपस के लिए उनको भी दी गई। ये जो दीक्षांत समारोह हुआ, बच्चों ने डिग्री प्राप्त की, विकसित भारत में कितना योगदान रहेगा इनका? जो है ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है, ये बच्चे को एक फॉर्मल डिग्री केवल देना था, अदरवाइज ये कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में और फैशन इंडस्ट्री में बच्चे प्लेस्ड हैं और विभिन्न नामचीन कंपनियों में जो है अच्छे पैकेज पे प्लेस्ड हैं, तो ये अपना योगदान जो है अपने क्रिएटिविटी के द्वारा विकसित भारत के लिए दे रहे हैं। सर कितना स्कोप है आगे भविष्य में? आगे का स्कोप फुटवेयर का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सीफी के अनुसार देखा जाए, सीफी जो कि जो सेंटर फॉर फुटवेयर कॉन्फेडरेशन इंडिया होता है, उनका एक आंकड़ा है कि अभी जो भारत में एक औसतन जो फुटवेयर होता है वो केवल 1.14 है, जो अगले 5 वर्षों में डबल होने की चांस है, और यदि डबल होने की चांस है तो करीब 140 करोड़ जो है पेयर्स हमारे फुटवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे समझा जा सकता है कि आगे का जो है भविष्य इसमें कितना हो सकता है। जी आपका परिचय? मैं अनिल कुमार, कार्यकारी निदेशक FDTI। थैंक यू सर।